वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी में एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एडिशन थ्योरम चल रहा है हमारा भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट अ रैंडम कंटेन्स आइदर 53 संडे और 53 मंडेज। तो यहाँ पर अगर आपके पास में आइदर और वर्ड आ जाता है तो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन हो जाता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नॉर्मल ईयर होता है आपका, एक नॉर्मल ईयर होगा जिसके अंदर आपके 365 डेज होते हैं, और एक आपका लीप ईयर होता है। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है जिसमें कि फेब के मंथ में 29 डेज होते हैं, और उस ईयर में आपके 366 डेज होंगे। क्लियर है? अगर मैं वीक की बात करूं तो 52 वीक्स होंगे, और प्लस एक्स्ट्रा डे की बात करता हूं ना, 52 सप्ताह होने के बाद कितने दिन और बच जाएंगे? 2 डेज। अभी इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर में, जो लीप ईयर है, लीप ईयर की पहचान आप आसानी से कर सकते हो, वो ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है। अगर सेंचुरी है तो 400 से कम्प्लीट डिवाइड हो जाए। खैर, जो लीप ईयर होता है उसमें 1 जनवरी को जौन सा भी दिन है और 2 जनवरी को जौन सा भी दिन है, वो 53 टाइम्स आएंगे पूरे ईयर में, और बाकी सारे के सारे 52 टाइम्स ही आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो 1 जनवरी को जो दिन आएगा वो 53 टाइम्स आएगा पूरे ईयर में, 1 जनवरी को लगा करके, और जो 2 जनवरी को है वो भी 53 टाइम्स आएगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज आपके पास में क्या क्या हो जाती है, 1 और 2 तारीख को, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे संडे मंडे। क्लियर है बच्चे? तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी, 6 संभावनाएं हैं, जिसमें से मंडे आने की कितनी संभावना है? एक यहां पे संभावना है मंडे आने की, और एक ये। तो 2 दिन आउट ऑफ 7। क्लियर है? 53 आपके अगर देखें भी तो 53 2 आउट ऑफ 7, 7 डेज में 2 दिन आपके पास में संभावना है कि आपका मंडे आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, संडे भी 2 बार है आउट ऑफ 7 डेज। क्लियर है बच्चे? संडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे अच्छा ट्यूसडे वेडनेसडे रह गया था एक, ये यहाँ गड़बड़ होगी ना। ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे, तो 4 3 7, तो 2 बार आपका मंडे आ रहा है कुल 7 में से। ये 7 पॉसिबिलिटीज है, या तो पहले दो दिन ये होंगे, या तो 2 दिन ये थोड़ा 7 संभावनाएं हैं, जिसमें से 2 बार आपका मंडे आ सकता है, 2 बार संडे आ सकता है। क्लियर है? और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे इंटरसेक्शन संडे, इनमें से एक 1/7, इनमें से एक जो है वो कॉमन आएगा। तो अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे और यूनियन संडे, या संडे मंडे कह दो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे यूनियन मंडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे
प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इंटरसेक्शन मंडे, क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे यूनियन मंडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7, 3/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे यूनियन मंडे, क्लियर है? ये मेरा आंसर है, समझ में आया बच्चे? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आप आंसर की ओर अग्रसर करें, आप आंसर की तरफ बढ़ें। आप यहां पर आप देखते हैं, एन इन्वेस्टर कंसल्टेंट प्रिडिक्ट्स द टोटल ऑड्स अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक गोइंग अप आर द 2:1, प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटी 2:1 है, वन पॉसिबिलिटीज है, तो 1/3, क्लियर है? प्राइस बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, तो ये बढ़ना 1, टोटल कितना हो गया 1/2, तो 1/3 प्राइस बढ़ने की संभावना है। प्राइस सेम रहने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 1/3 हो गया, 1/4 प्राइस सेम रहने की पॉसिबिलिटीज, तो टोटल कितना हो गया 4। तो प्राइस बढ़ने और प्राइस सेम, तीन चांसेस होते हैं, या तो प्राइस बढ़ेगा सेम रहेगा या तो गिरेगा। तो प्राइस बढ़ना और सेम रहने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी हमारे पास में? 12/4, 3, 7/12, ये दो पॉसिबिलिटीज है प्राइस बढ़ने और सेम रहने की। कह रहा है प्राइस घटने की, तो टोटल तीन पॉसिबिलिटीज है, गिरना, बढ़ना, सेम रहना। तो टोटल संभावना 1 होती है, जिसमें से बढ़ना और सेम रहने वाले को माइनस कर दूंगा तो गिरने की पॉसिबिलिटीज आ जाएगी दिस वन, क्लियर है बच्चे? तो आपका स्ट्रैट्स के अंदर कहानी आपके एडिशन थ्योरम में यहाँ तक थी। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे चले जाएंगे।